सो हे गाइस व्हाट्स अप, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल HK Vlogs और आज मैं कवर करने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। सो पहली न्यूज आ रही है एगेसी और सिकंदर कालो की तरफ से। इन दोनों का जो है बहुत ही जल्द एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है बेबी। इस गाने का ऑफिशियल पोस्टर जो है एगेसी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिवील कर दिया है और ये गाना जो है 5 मई को रिलीज किया जाएगा। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है इक्का की तरफ से। सो कल जो है इक्का का एक और ट्रैक रिलीज होने वाला है जिसका नाम है आवाज ये आजाद, और ये ट्रैक जो है फैब एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। सो भी रिसेंटली इक्का का एक और सॉन्ग आया था जिसका नाम था इंतजार विद मूनलाइट। सो यार ये काफी अच्छी बात है कि इक्का पाजी के बैक टू बैक सॉन्ग्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। सो अब हम बात करने वाले नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है जीवन पुलिस वाला रैपर की तरफ से। सो उनका भी अभी रिसेंटली एक ट्रैक आया जिसका नाम है आस्तीन के सांप। सो यार जिसने भी नहीं सुना जाके सुन लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर्सनली मुझे तो ये ट्रैक काफी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है मूफाड की तरफ से। सो यार मूफाड ने अपना नेक्स्ट ट्रैक अनाउंस कर दिया है। सो भी रिसेंटली मूफाड ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक फोटो डालते हुए टाइटल में ये लिखा, नेक्स्ट रिलीज क्या समझे ? सो सब लोग इस पोस्ट के नीचे यही लिख रहे थे कि ये शायद डिस होगा रफ्तार के लिए, और काफी लोग जो है माँ कसम ट्रैक की भी डिमांड कर रहे थे। सो लेट्स वेट एंड वॉच की मूफाड कौन सा ट्रैक रिलीज करते, कोई डिस ट्रैक होगा या कोई नॉर्मल सॉन्ग। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है लिल गोलू की तरफ से। सो अभी रिसेंटली जो है लिल गोलू अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए थे, और उस लाइव सेशन में जो है लिल गोलू ने काफी कुछ बातें रिवील की, और उन्होंने जो है रफ्तार के बारे में भी बात किया। सो एक बार सुन लेते कि उन्होंने रफ्तार के बारे में लाइव सेशन में क्या बोला। रफ्तार भैया के बारे में मेरे क्या व्यूज हैं भाई, मेरा दोस्त है और दोस्त रहेगा, कोई चक्कर नहीं है, बाकी बढ़िया फुल पावर काम करता है। अभी कोई मेरे को कुछ ऐसा फुल पावर सा गाना लगा नहीं उसका कोई हाल फिलहाल पीछे, बाकी पहले उसके काफी स्वैग मेरा देसी वगैरह सब बढ़िया था भाई। और लिल गोलू ने जो रफ्तार के साथ कोलैब के बारे में भी बात किया, तो एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। भाई रफ्तार से कोलैब कब कहां कैसे मुझे नहीं पता, समय से बड़ी कोई चीज नहीं है, समय चाहेगा तो हो जाएगा, अदरवाइज सब बढ़िया चल ही रहा है, वो अपना बढ़िया कर रहा है, मैं अपना बढ़िया कर रहा हूँ। सो लिल गोलू ने जो है काफी कुछ बातें रिवील की है अपनी लाइव सेशन में, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो। सो यार अभी के लिए बस इतनी न्यूज है, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना भी ना भूले। सो स्टे होम स्टे सेफ, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।